हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरे किचन में आपका स्वागत है। मैं सोफिया। आज हम बनाएंगे मसाला फ्राई हरी मिर्ची, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर आती हैं। आप इसे इंस्टेंट अचार भी कह सकते हैं हरी मिर्च का, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। आप इसे दाल के साथ, पराठे के साथ, प्लेन पराठा हो या स्टफ़ वाला पराठा हो या वेज बिरयानी हो, उसके साथ आप खाएँ, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ मैंने 250 ग्राम हरी मिर्चें ली हैं, जो कि रेगुलर जो हम यूज़ करते हैं सब्ज़ी में। बस थोड़ी सी जो मोटी आती हैं उसे मैंने अलग निकाल लिया है, और इसको बीच में इस तरीके से इसको टू पीसेस में इसको कर लिया है। तो इसमें हम मसाले लेंगे, तो बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी ये मसाला फ्राई हरी मिर्च बनती है। एक चम्मच मैंने हल्दी ली है, एक चम्मच ही अमचूर पाउडर लिया है। अगर आप नींबू यूज़ करते हो तो आप नींबू का इसमें 1 पूरा फुल लेमन का जूस इसमें डाल सकते हैं। 3 मैंने डिश की चम्मच साइज़ ये है इतना बड़ा, ये मैंने साबुत धनिया लिया है, इतना ही मैंने इसमें ये सौंफ ली है 3 डिश की चम्मच, 1 चम्मच इसमें हमने नमक दिया है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को हल्का सा रोस्ट करके इसको ग्राइंडर में डाल के इस तरीके से एक इसका दरदरा पेस्ट वो बना लेंगे पाउडर। ये मैंने इसका बना रखा है दरदरा, आप देखेंगे। तो हम इसको बनाने के लिए चलते हैं। यहाँ मैंने पैन में सरसों का तेल लिया है, यही वाले 5 डिश के चम्मच लिए हैं। बड़े वाले लें तो आप 2 लें, थोड़ा सा तेल इसके अंदर अच्छा लगता है ज़्यादा, तो ये अच्छे से पक जाए। वैसे तो करीब करीब ये अच्छे से पक ही गया है, अब देखना है इसमें से धुआं निकल रहा है। तो यहाँ पर हम गैस को ऑफ कर देंगे और थोड़ी देर के लिए तेल को ठंडा होने देंगे। यहाँ मैंने 1 मिनट के लिए गैस ऑफ कर दी थी, तेल थोड़ा सा ठंडा हो गया है, क्योंकि अगर हम एकदम ही तेज़ तेल में डालेंगे हल्दी वगैरह तो ये जल जाएगी और फिर इसका कलर भी ख़राब हो जाएगा और टेस्ट भी। तो अभी आप देखिए ये इतना गर्म है तेल कि इसमें अच्छे से हल्दी फ्राई हो गई है। यहीं पर हम ये सौंफ धनिया डाल देंगे और हरी मिर्ची। फिर हम यहाँ पे गैस ऑन कर देंगे। इसके साथ हम इसको फ्राई करेंगे। करीब 1 से 2 मिनट के लिए हम इसी के साथ इसमें फ्राई करेंगे। इसमें यहीं पर हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे, और साथ ही में इसके साथ हम अमचूर पाउडर। तो अभी हमें इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना है, इसको मिर्च के साथ ही इसमें हमें इसको ऐसे ही इसके साथ फ्राई करना है। 1 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर 2 डिश के चम्मच पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसे ढक देंगे और इसको लो फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे करीब 5 मिनट के लिए। बीच में 1-2 बार इसको चला ज़रूर दें, जिससे ये नीचे लगे नहीं। तो बहुत ही जल्दी से बनके आने वाले ये मसाला मिर्च फ्राई है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ये। बस 5 से 7 मिनट पकाने के बाद ये देखिए अच्छे से एकदम मसाले के अंदर फ्राई हो चुकी है हरी मिर्ची। और इसमें जब आप इसे रखें तो इसके अंदर एक बूंद भी पानी नहीं होना चाहिए। देखिए तेल बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए, पानी अगर इसके अंदर मॉइस्चर रहेगा तो ये ख़राब होने का इसको डर बना रहेगा। तो आप इसे एयर टाइट कंटेनर में या किसी बॉटल में 1 महीने तक इसे रख के आराम से खा सकते हैं। यहाँ पे हम गैस ऑफ कर देते हैं। ये हमारा मसाला मिर्च फ्राई बनकर एकदम रेडी है। ये मसाला मिर्च फ्राई बनकर रेडी है। आप इसे पराठे के साथ, पूरी के साथ, फिर वेज बिरयानी के साथ, दाल के साथ खाएं और इसे एंजॉय करें। मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, गुड बाय, हैव अ गुड डे।